बढ़िया कंपनी को सही समय पे, फिर अगेन सही समय की कोई डेफिनेशन नहीं होती। आज सही समय अगर मैं बोल देता हूं तो हो सकता है 4 महीने बाद इससे सही समय आ जाए, तो कुछ पता नहीं है ना। तो आपको जब लग रहा है हाँ यार ठीक है, अब एक शेयर 40% नीचे गिर चुका, 10% और गिर जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये है कि मैं बिल्कुल छत पे तो नहीं ले रहा ऊपर टॉप पे। मेरे पास तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, कहते सर मेरे पास एक स्टूडेंट आया, एक शेयर था, उसके बाद मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने उससे पूछा कहाँ लिया हुआ है, तो उसका आंसर देखो क्या रहा, टॉप चेक कर लो। मैंने कहा टॉप चेक कर लो, कह रहा हाँ जो हाई बना है ना वो मैंने बनाया। मैंने कहा मतलब रेट, कह रहा नहीं पैसों में जो हाई दिख रहा है ना आपको चार्ट पे वो मेरे पास उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट है। ऐसी जगह पे खड़े होते हैं, उससे तो बेटर है, समझे। आप अगर 40% नीचे ले रहे हो तो उससे तो अच्छा है कि आप बिल्कुल छत पे ले रहे हो ऊपर। अब 40 से कितना 10 गिर जाएगा और 15 गिर जाएगा, कोई बात नहीं आएगा फिर ले जाना है ऊपर। तो बेटर यह है पार्ट करो, एक पार्ट पे कुछ समय टिको रहो और दूसरे पार्ट पे ट्रेडिंग करते रहो। ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहना अच्छा होता है हमेशा, बहुत शॉर्ट टर्म नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि उससे आप मार्केट के टच में रहते, आपको पता होता है क्या हो रहा है। अगर आप बिल्कुल ट्रेडिंग से हट जाते हो तो आप मार्केट से हट जाते हो, आपको मालूम नहीं रहता है क्या हो रहा है। तो ट्रेडिंग करो, उसको पार्ट बनाओ, लेकिन इन्वेस्टमेंट साथ साथ।